गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। व्लॉग मैं बना चुका हूँ और वीडियो मैंने शुरू में बनाई थी पर वो शायद डिलीट हो गई, मिल नहीं रही है तो शायद डिलीट ही हो गई होगी, तो ये इसलिए मैं बना रहा हूँ और ये अगले दिन बना रहा हूँ यार। अब वो डिलीट हो गई तो अब क्या करें? शेयरिंग तो अच्छी लग रही है, करा दिए, इसका भी व्लॉग बनाता पर बनाएंगे जल्दी, पहली व्लॉग में बनाएंगे। ठीक है, अभी तो आप इन व्लॉग का सपोर्ट करो। जहाँ हम जाने वाले वो मेरे यहाँ से शायद 75-80 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो सफ़र बहुत लंबा है, इसलिए हम मेरी स्पोर्ट बाइक ले जाएंगे। जो तो वीडियो में मैंने बताई है, देखना कैसी लगे बताना, और पूरी देखना वीडियो, पूरी बिना पूरी देखे जाना मत यार, मस्त वीडियो है, स्पेशल पर्सन तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अभी जंगल में, एकदम बीचों बीच जंगल के। ये सीता माता वर्ल्ड वाइड सेंचुरी, यहाँ पे गिलहरी आती है, उड़न गिलहरी शाम को आती है कभी, वो भी दिखाने लाएंगे, इसके अंदर का भी व्लॉग बनाएंगे, बहुत जल्द आएगा। अभी तो आप इसे लाइक कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, अब हम चलते हैं, लेट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लूनी माता खड़े, वहाँ ऊपर एक माता जी का मंदिर है और यहाँ की लोकेशन देखो आप एक बार, हाँ कितनी प्यारी है, मस्त लोकेशन, उसका भी एक ब्लॉग बनाएंगे, वो जल्द आएगा। आप लोकेशन देखो, और भी मस्त मस्त लोकेशन है, बहुत प्यारी, चलते और आगे ऐसी कोई लोकेशन मिलती है तो उसको भी बताएंगे हम, ठीक है, चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, हम अभी रास्ते में ही हैं और ऊपर बहुत सारे बादल हो गए, देख के मैं बताता हूँ, बहुत बादल हो गए, अब क्या किया जाए सोच रहे हैं, क्योंकि बारिश की बूंदें भी गिर रही है, ये देखो। फ्रेंड्स, फाइनली भगवान ने हमारी सुन ली और सूरज देवता आ चुके हैं। ये देखिए धूप भी आ चुकी है, थोड़ी बहुत बारिश हुई, ज़्यादा नहीं, हो चुकी है खत्म, थैंक्स गॉड।
से मंदिर है। तो आपने दर्शन कर लिए होंगे भगवान के, आपको आना है, जरूर आना है यहाँ पे। ये बात छोड़ा में ये यहाँ पे, अब हम बन चल रहे हैं जन्म स्थल पे। तीन मूर्तियाँ यहाँ की, जो सबसे बड़ी यहाँ पे, ये हम जन्म स्थल पे जाते हैं, देश का इतिहास बताते हैं। आरती हो रही है शायद। सही लग रहे ना, हम आ चुके हैं मंदिर में। यह मंदिर राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित है। यह सावलिया जी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका इतिहास यह है कि 1840 ईस्वी में भोलाराम गुजर नाम का कोई दूध वाला व्यक्ति था, जिसको सपना आया था कि बाकुंड गांव के छापर में किसी ने तीन मूर्तियां दफना रखी है। तो जब उसको खोदा गया तो तीन मूर्तियां निकली, जिसमें से एक मूर्ति यहाँ पे, फर्स्ट मूर्ति पे अपन जा चुके हैं जो सबसे बड़ी है, और अभी अपन सबसे बड़ी मंदिर में जा रहे हैं जो सबसे छोटी मूर्ति। चलते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स मंदिर, और ये जो कलश है उसका मैं आपको बताता हूँ। उनको के अंदर हम आ चुके हैं, और जो भी मैंने आपको कलश बताया था हमने, ये रहा ये जो कलश है ऊपर, ये पूरा ही सोने का है, पूरा मतलब पूरा सोने का है। मैं सोच रहा हूँ छुरा लूँ, छुरा सकते हो। ये 2011 में स्थापित किया गया था इसके ऊपर, और जो ध्वजारोहण है वो 1972 में इसको वहाँ ऊपर लगाया था। वो देखो, देख सकते हो आप, आधा टुकड़ा मिल रहा है तो भी बहुत है। चलिए तो फ्रेंड्स, हम अंदर कैमरा नहीं लगा सकते हैं, तो अंदर का चीज देखता हूँ कैसा होगा, ट्राई तो करते हैं।
फ्रेंड्स, आपको कैसे लगे दर्शन जरूर बताना मुझे। अंदर हम फोन नहीं ले जा सकते थे तो हमने अंदर का शूट नहीं करा, थोड़ा बहुत करा है, आपको वीडियो में मिल जाएगा। फोटो वोटो भी लिए में, तो आप दर्शन कर लेना उसके भी, यहाँ पर जरूर आना। बहुत प्यारा मंदिर है और यहाँ पे ऐसा भी बोलते हैं कि अपन जितना चढ़ाते हैं यहाँ पे उससे दुगना अपन को मिलता है, यही सागर सेठ की माया है। कल आ रहा है तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं प्रसाद लेने, यहाँ की बहुत फेमस है लड्डू और मठड़ी, लेते हैं प्रसाद। लाइन लगी हुई है वहाँ पे मिलती है, चलते हैं लेने। यार सूरज इधर इधर से आ रहा है, चलते हैं। यहाँ पे एक और गेट है जो आपको बताता हूँ, जो पहले खुला रहता था अभी बंद हो गया है, बताता हूँ आपको। ये वाला गेट है जो पहले यहीं से अपन एंट्रेंस था यहाँ का, अभी से बंद कर दिया गया है कोरोना की वजह से। कोरोना कब का गया पर गेट अब बंद ही कर दिया फाइनली इन्होंने, उधर बड़ा गेट बना दिया। और अभी हम यहाँ जा रहे प्रसाद लेने, लेते हैं। देखो दोनों तरफ प्रसादें मिलती है, उधर भी है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के लड्डू और मठड़ी मिलते बहुत ही स्वादिष्ट होते, खाओ तो ज़रूर लेना। मंदिर के पीछे साइड में ये दुकान है, यहाँ पे खाना वगैरह खाओ कुछ तो, नाश्ता वास्ते की सारी दुकानें। ये सारी दुकानें खिलौने बचपन में लेने आता था मैं, अब तो क्या ले गए, बहुत लंबी दुकान लगती है। यहाँ पे दुकानें हैं सब, अभी हम कुछ ठंडा पीने जा रहे हैं यार, बहुत गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। गंदी बना दो यार भैया। हाँ ये आओ तो इन भैया के यहाँ पे आना, सिकंदी वगैरह सब पिला सकते। बहुत ही गर्मी है यहाँ पे, बहुत हद से ज़्यादा। चिकन जी फिर ये भैया को देख लो, इनकी शॉप यही है, ये बना रहे हैं, रेडी हो चुकी है। सोडा डाल दो, आओ फाइनली हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कैसी लगी ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और यहाँ पे पुनः फिर से पधारना, और फर्स्ट बार तो आना एक बार आप वापस आना, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे जाने के बाद जो सुकून मिलता है ना वो कहीं भी नहीं मिलता, आनंद तो ऐसा मिलता है जो कहीं नहीं, इतना मस्त फील होता है ना। ठीक है, एक बार आप आना, अच्छा लगे कमेंट में बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।